नाम विपिन कुमार गुप्ता है और मैं आप सभी साथियों को भारतीय इतिहास अन अकेडमी यूपीपीएससी पर प्लस क्लासेस पढ़ाता हूँ। इस यूट्यूब पर आप सभी साथियों के लिए एक सीरीज लाई गई है प्राचीन भारत को लेकर के, जिस पे हम पिछली एक क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं। वैदिक काल पे सीरीज चल रही है और उस क्लास में हमने चर्चा किया है कि वैदिक काल किसे कहते हैं, साथ ही साथ हमने वेदों के बारे में, वैदिक साहित्यों के बारे में आदि बिंदुओं पर हमने क्या है चर्चा की है। तो इसी चैनल पर आपको पिछली वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, आप उस पर जाकर के क्या कर सकते हैं देख सकते हैं और आप उसको अपने ज्ञान अर्जन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल सी, आरओआरओ आदि सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले। आज हम वैदिक साहित्य पे चर्चा कर रहे थे और वैदिक साहित्य के क्रम में हमने आपको बताया है कि वैदिक साहित्य चार प्रकार के साहित्यों से मिलकर के बना हुआ है। एक आपके वेद हैं, दूसरे आपके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तीसरे आपके हैं आपके आरण्यक हैं और चौथा आपका कौन सा है, चौथा आपका है उपनिषद। तो अब हम वेदों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं और यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ पर चर्चा करने वाले। तो आते हैं, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ पहले कौन होते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ब्राह्मण जो ग्रंथ होते हैं वो कह सकते हैं वेदों का व्याख्यात्मक स्वरूप क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ कहलाता है। ब्राह्मण जो है वो यज्ञ समारोहों का पालन करने वाले नियमों की व्याख्या करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ ये वेदों की स्थितिकरण का जो स्पष्टीकरण करते हैं वो परंपरावादी ढंग से करते हैं। हर वेद के साथ बहुत से ब्राह्मण जुड़े हुए हैं और शतपथ ब्राह्मण सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मणों में से एक है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है और ये सबसे अधिक व्यवस्थित है। उसके साथ साथ शाम वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ है और जिसकी रचना तांड ऋषि ने की है, इसीलिए इसे तांड ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसी में वात्र स्टोम यज्ञ की वर्णन किया गया है, ये आपके यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि वात्र स्टोम यज्ञ क्या है। तो इस यज्ञ के द्वारा अनार्यों को आर समूह में सम्मिलित किया जाता है। तो जो अनार्य थे, आर्य जो श्रेष्ठ माने जाते थे, अनार्य जो उस समय के नीची जात के लोग माने जाते थे या कह सकते हैं वो श्रेष्ठ नहीं थे, वो तो उनको क्या किया जाता था, अनार्य से आर्य बनाने के लिए वात्र स्टोम यज्ञ का कह सकते हैं यज्ञ में उनका एक यज्ञ का आयोजन किया जाता था। साथ ही साथ सामवेद का दूसरा ब्राह्मण जो है वो षटविश ब्राह्मण है जिसकी रचना अद्वित ऋषि ने की है और इसे ही क्या है अद्वित ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अकाल भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के मुक्ति के बारे में क्या गया है इसमें बताया गया, इसमें इन सबकी मुक्ति के बारे में क्या है इन पर जिक्र किया गया है। सामवेद का जो दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ है वो षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ है। साथ ही साथ अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपत है जिसकी रचना गोपत ऋषि ने किया था और इसमें ओम तथा गायत्री का महत्व बताया गया है और ये शतपथ ब्राह्मण से क्या है प्रभावित है, ये शतपथ ब्राह्मण। और आपको जैसा हमने बताया है कि ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो कौन सा है, वो आपका शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है, जो कि किससे जुड़ा हुआ है भाई साहब, जो कि यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। उसके साथ साथ हम अगले ग्रंथ पर आ जाते हैं, आरण्यक ग्रंथ। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद आरण्यक ग्रंथ की रचना की गई और जैसे हमने बताया है कि आरण्यक ग्रंथ को वन पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसकी ज्यादातर रचना वनों में रहने वाले ऋषियों ने अपने शिष्यों के लिए किया है। दार्शनिक तथा रहस्यवादी ग्रंथ है तथा ये यज्ञों का क्या करते हैं, विरोध करते हैं और ये ध्यान और योग पर क्या करते हैं, बल देते हैं। तो आरण्यक, देखिए आरण्यक जो शब्द से बना हुआ है, आरण्यक अरण्य शब्द से निकल के बना हुआ है, ठीक है। अरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल, जंगल या फिर कह सकते हैं वन या फिर कह सकते हैं क्या है इंग्लिश में फॉरेस्ट या फिर कह सकते हैं विपिन, ठीक है। तो
विपिन का मतलब यहाँ पर जंगल भी होता है, अगर आप विपन्ना लगा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संस्कृत में इसका मतलब दुख हो जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों के बाद जो जिस ग्रंथों की रचना हुई है वो आरण्यक की रचना हुई है, और ये ध्यान पर बल देते हैं, और ये कह सकते हैं एक प्रकार से ये अनुष्ठानों का दार्शनिक ढंग से व्याख्या करते हैं, और ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण ग्रंथों का क्या है, इसे अंतिम भाग भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण ग्रंथों की के बाद क्या है, आरण्यक की रचना की गई है, जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों से संबंधित ग्रंथ को आरण्यक के कहा जाता है, या कह सकते हैं जंगल में रहने वाले ऋषि मुनियों के द्वारा जिस ग्रंथ की रचना की गई है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे आरण्यक के नाम से जाना जाता है। आरण्यक के नाम से क्या है, जाना जाता है। आरण्यक में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि अभी हमने आपके साथ चर्चा करने में बता दिया है कि आरण्यक में किसकी चर्चा की गई है, तो आरण्यक में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों पर क्या की गई है, यहाँ पर चर्चा की गई। साथ ही साथ अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, अगला आपका कौन सा है, अगला आपका है उपनिषद। उपनिषद तो वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है किसी के पास बैठना, या कह सकते हैं गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है, उपनिषदों की संख्या 108 है, जिसमें से 13 सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उपनिषद आत्मा और ब्रह्मा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और जीवन, ब्रह्मांड, स्वयं, शरीर, यज्ञ आदि दर्शन पर क्या है, ये केंद्रित है। उपनिषद के बारे में बता देता है कि ये स्वयं के ज्ञान और उसके साथ साथ आत्मा को अर्जित करने और आत्मा के भ्रम के साथ संबंध को पूरी तरह समझने पर क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं। सभी उपनिषदों में अगर देखा जाए तो मुंडकोपनिषद सबसे विशाल है, और आप जानते हैं आपका जो राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। छंदोग उपनिषद में क्या बताया जाता है, इसमें जो तीन प्रकार के आश्रम है, आपका तीन प्रकार के जो आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन तीन प्रकार के आश्रमों का सबसे पहले जिक्र इसी छंदोग उपनिषद में किया गया है। साथ ही साथ देवकी के पुत्र श्री कृष्ण और उसके साथ साथ उन्हीं के गुरु का भी वर्णन छंदोग उपनिषद में सबसे पहले मिलता है। उसके साथ साथ छंदोग उपनिषद में ही विवाह के दो प्रकारों के बारे में क्या किया गया है, दो प्रकारों के बारे में बात की गया है। एक आपका अनुलोम विवाह है, दूसरा आपका प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह में क्या होता है, व्यक्ति का अपने वर्ण में या अपने से नीचे वर्ण में विवाह, ठीक है, जो किया जाता है वो अनिलोम कहलाता है। मतलब कि उच्च कुल का पुरुष निम्न कुल की कन्या या समान कुल की कन्या के साथ जो विवाह करेगा वो अनिलोम विवाह होगा, ठीक है। ये समाज का सबसे अधिक स्वीकृत और सामान्य रूप हुआ करता था। साथ ही साथ प्रतिलोम विवाह क्या था, तो प्रतिलोम विवाह में पुरुष निम्न कुल का होता था और जो लड़की होती थी या स्त्री होती थी ये उच्च कुल की होती थी। तो लड़की या औरत का अपने से नीचे वर्ण में विवाह जो होता था वो क्या कहलाता था, वो प्रतिलोम विवाह कहलाता था, और यह असामान्य माना जाता था। वेदों द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं प्राप्त थी, और इससे उत्पन्न संतान को क्या है, म्लेच्छ के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने बताया है कि उपनिषदों में आध्यात्मिक तथा दार्शनिक बातों का चरमोत्कर्ष देखने को मिलता है। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, और कुछ ही उपनिषद क्या है यहाँ पर उपलब्ध, कुछ ही उपनिषद यहाँ पर क्या है भैया, उपलब्ध। कठोपनिषद में यम नचकेता संवाद मिलता है, इसका संबंध भी कृष्ण यजुर्वेद से है। उसके साथ साथ अभी जस्ट हमने आपको बताया है मुंडकोपनिषद में क्या है, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते यहीं से क्या है लिया गया है, सत्यमेव जयते यहीं से लिया गया। साथ ही साथ एक उपनिषद है जाबालोपनिषद, तो जाबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के चार प्रकार बताए गए। जाबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के चार पर चारों कह सकते हैं पहली बार चारों आश्रम के बारे में यहाँ पर बताया गया, ठीक है। तो ये रहा है आपका उपनिषद के बारे में चर्चा, उपनिषद के बारे में चर्चा की गई यहाँ पर। और उसके साथ साथ ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषद है। इसी में राजा जनक के दरबार में
याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच हुए शास्त्रार्थ का वर्णन है और इसका संबंध क्या है शुक्ल यजुर्वेद से, शुक्ल यजुर्वेद से है। पिछले वाले उपनिषद का संबंध कृष्ण यजुर्वेद से और इसका किससे है शुक्ल यजुर्वेद से, इसका क्या है संबंध माना जाता है। हमने आपको उपनिषद बताया कि उपनिषद क्या है, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है, ठीक है, वेदांत कहा जाता है, ठीक है, वेदों का, वैदिक साहित्यों का अंतिम भाग होने के कारण। जैसा कि हम आपको अभी बता चुके हैं कि छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है और इसका संबंध किससे है, इसका संबंध साम वेद से माना जाता है। इसका संबंध किससे माना जाता है, इसका संबंध साम वेद से माना जाता है। उसके साथ साथ अब हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ऋग्वेद, ऋग्वेद के पुरोहित कौन हुआ करते थे, तो ऋग्वेद के पुरोहित का नाम क्या हुआ करता था, होत्र, जिनका मकसद था देव स्तुति करवाना, और सामवेद के क्या होते थे, उद्गाता के नाम से जाने जाते थे, उद्गाता के नाम से क्या है जाने जाते थे। उसके साथ साथ वैदिकोत्तर साहित्य पे अगर हम चर्चा करते हैं तो वैदिकोत्तर साहित्य पे पाते हैं, तो अन्य ग्रंथों पे हम चर्चा करते हैं वेदांग, तो वेदों को जानने समझने के लिए वेदांग की क्या की गई है, रचना की गई है। वेदांग का अर्थ क्या होता है, सीधा सीधा वेदांग का अर्थ है वेदों का अंग, और ये एक प्रकार से सहायक ग्रंथ है जो वेदों को पूरी तरह पढ़ने तथा समझने में मदद करते हैं। तब भी इन्हें श्रुति के समान योग्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि इनकी रचना मानव द्वारा क्या है की गई है, इसकी रचना देवताओं के द्वारा क्या है नहीं की गई, और इनकी संख्या 6 है, ठीक है, और हमने जैसा बताया कि शिक्षा क्या है, इसकी 6 है, कौन कौन सी है, शिक्षा है, कल्प है, ज्योतिष है, व्याकरण है, निरुक्त है और छंद है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा ध्वनि शास्त्र से संबंधित है, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण यो हेतु शिक्षा की क्या की गई है, रचना की गई, ठीक है, और वामजस ऋषि द्वारा रचित गायनम नामक प्राचीनतम ग्रंथ है। इस पे कल्प क्या है, तो कल्प एक प्रकार का कर्मकंडी विज्ञान है, इसमें विधि विधानों का वर्णन किया गया है और इसकी संख्या कितनी है 3 हुआ करती है, तो कल्प क्या एक प्रकार से कर्मकांडी विज्ञान है, और इसके कल्प की संख्या कितनी है, सौत सूत्र यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के विधि विधान, और उसके साथ साथ धर्म सूत्र राजा प्रजा के अधिकार तथा कर्तव्य के बारे में चर्चा की गई है। तो सौत्र सूत्र यज्ञ संबंधी नियम से संबंधित है, ग्रह सूत्र लौकिक एवं पारलौकिक जीवन के विधि विधान से संबंधित है, और धर्म सूत्र राजा प्रजा के अधिकार तथा कर्तव्य से क्या है संबंधित हुआ करता है। साथ ही साथ हम अगर वेदांगों के अन्य अन्य बिंदुओं पर चलते हैं, तो व्याकरण, व्याकरण जिसे शब्द शास्त्र के नाम से जाना जाता है, व्याकरण जो कि शब्द शास्त्र है और भाषा को वैज्ञानिक रूप देने के लिए पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी, इसका क्या है एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। निरुक्त, निरुक्त जो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र शास्त्र है और वैदिक शब्दों की उत्पत्ति एवं अर्थ ऋषि कश्यप का निघंटु, इस पे क्या है एक प्रमुख ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। छंद, छंद क्या है, तो छंद का निरूपण के माध्यम से किया जाता है, वैदिक मंत्रों के लक्षण एवं विशेषताओं को समझने के लिए इस छंद का प्रयोग किया जाता है, और पिंगल का क्या है, ये छंद शास्त्र बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ ज्योतिष, जो कि नक्षत्र विद्या से संबंधित है, ब्राह्मणों एवं नक्षत्रों की जानकारी लगत मुनि का वेदांग ज्योतिष एक प्रमुख ग्रंथ। तो आपने देखा कि वेदांग ये है, और वेदांग की संख्या कितनी है, वेदांग की संख्या यहाँ पर 6 है, कौन कौन से, एक बार में फिर से लिखे दे रहा हूं, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये आपके हैं वैदिक साहित्य में, ये आपके वेदांगों में इनकी गिनती की जाती है, ठीक है, वेदांगों में गिनती इनकी की जाती है। उसके साथ साथ आप पुराणों के बारे में जानते हैं कि पुराण का शब्द क्या होता है, अर्थ पुराना होता है। अब इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और स्मृतियों पे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आशा करते हैं आप सभी बड़ा अच्छे तरीके से इसको सीख रहे होंगे, आप सभी साथी दोस्तों के साथ इसको लिंक से शेयर करते रहिए। चलिए एक होमवर्क यहीं पर दे देता हूँ, आप वेदों के, वेद और उपवेद, चारों वेदों के उपवेद को आप क्या करेंगे,
कमेंट सेक्शन में आप जवाब देंगे, मैं कमेंट रीड करता रहूंगा। ठीक है, पिछले क्लास में जवाब आए हुए हैं आप सभी साथियों के, बेहतर है। पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था कि संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका भी जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी। चलिए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, हिस्ट्री के किसी भी टॉपिक पर, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, उन उन पॉइंट को हम कवर करते रहे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।